So today is my second day of the tooth extraction and still I am not able to speak properly and I even don't know कि आप लोग को मेरी voice clearly आ भी रही है कि नहीं but I think I should get my mic so that आपको clearly हर एक चीज़ मैं समझा पाऊँ. Okay guys, so I'm all set with my mic and my mini tripod, vlogging tripod. So today I'm gonna share you my experience of the teeth extraction. As you guys can see, मेरे दो teeth अभी extract हुए हैं and still I'm not able to speak clearly. I'm just forcing my mouth कि मैं कुछ बोल पाऊँ just for vlog. In reality मैं जब घर में बात कर रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ. अभी मैं बोल भी रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को समझानी है कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था कल के टूथ एक्सट्रैक्शन का. दिस इज़ द सेकेंड डे ओनली एंड सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि टूथ एक्सट्रैक्शन करना है एंड आई वाज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई वाज प्रिपेयर्ड कि क्यों करना ही है. बट द थिंग जिससे मैं डर गई थी वो थे लोगों के ब्लॉग्स देख के जिसमें लोगों ने इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया था कि हाँ इससे चक्कर आता है, बेहोश हो जाते हैं. गाइस मेरे साथ क्या हुआ था कि माय डेंटिस्ट वाज वेरी स्वीट एंड अपने जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट था बहुत अच्छे से एनेस्थीसिया दिया जिसकी वजह से मुझे कुछ एक्सट्रैक्शन के टाइम में कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ. ट्रस्ट मी, इट वॉज जस्ट इंजेक्शन लगने के टाइम में आई वॉज शीवरिंग, माई बॉडी ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे काँप रही थी, पूरी की पूरी मैं हिल रही थी, विच वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टेड कि हाँ मैं काँपूँगी या कुछ भी. एंड मुझे नहीं समझ पाता मैं काँप भी क्यों रही हूँ, डर के मारे या ये जो हो रहा है उसके वजह से. बट येस आई वॉज शीवरिंग बैडली एंड मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. एंड इंजेक्शन जब दे रहे थे तब आपको इंजेक्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इसकी यहाँ से एक अंदर है, ठीक है, ऊपर एंड अंदर एक लगेगा. सो यहाँ पे क्या होता है ना, मसल्स होता है तो दर्द नहीं होता. बट जब अंदर मतलब होता है दर्द ऐसे नहीं कि नहीं होगा, हल्का होगा बट यू कैन टॉलरेट कि हाँ कुछ सेकेंड्स के लिए है, कुछ देर के लिए है तो आप फील करोगे और वो वैनिश हो जाएगा. बट जो इस वाले एरिया में आपको इंजेक्शन देंगे सुन करने के लिए, वो इंजेक्शन वॉज अ रियल पेन. मतलब उसको फील करके ऐसा डर लग गया था कि यार हड्डी में घुस रहा है इंजेक्शन, तो वो दर्द करता है. और वो मुझे मेरी डेंटिस्ट ने खुद ही बता दिया था कि हम थोड़ा सा दर्द करेगा, ब्लॉग में देख सकते हैं. एंड वो मुझे थोड़ा पिंच टाइप का दर्द हुआ एंड देन वो वैनिश हो गया, ठीक है गाइस. तो ये वाला दर्द उतना था एंड देन इसके बाद फिर नीचे इंजेक्शन, उसके बाद एनेस्थीसिया दिया एंड उसके बाद मेरे दांत को घुमा के उसको निकाला, ठीक है. तो उस टाइम पे तो मुझे फील नहीं हो रहा था क्योंकि एनेस्थीसिया का इफेक्ट था. बट माई मॉम वॉज लिटरली क्राइंग इन दैट टाइम, उनको बहुत ज़्यादा रोना आ गया था एंड वो रो रही थी अच्छे खासा, मतलब कि वो देख ही नहीं रही थी मुझे और वो जैसे देख रही थी वो रोने लग जा रही थी. तो मेरी वो थी आप बाहर चले जाओ कि बैठ जाओ तो आपको मतलब बहुत पैनिक करोगे. एंड मैं मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था, बस मम्मी को देखती मम्मी रो क्यों रही है और मैं ये देखती कि बस कोई प्लास वगैरह ला के मेरे मुँह के अंदर घुमाया जा रहा है और मतलब वो फीलिंग मुझे डर दे रहा था कि और ये क्या कर रहे. बट ऑल दो आई वॉज नॉट, इट वॉज नॉट पेनिंग. अब मैं आपको बताती हूँ कि दांत निकल गया, ठीक है, उसके बाद भी इट्स जस्ट द फीलिंग कि हाँ बहुत गंदा वाला दर्द होगा. गाइस मैं आपको ये बोलूँगी एनेस्थीसिया है तो दर्द नहीं होगा, बट एनेस्थीसिया लेते वक्त दर्द होगा, उसके बाद एनेस्थीसिया के इफेक्ट हट जाएगा तो आपको फील होगा. एंड वो जो आपके माइंड में घुसा हुआ डर है ना वो आपको डराएगा, दैट्स इट. अगर आप प्रिपेयर हो तो आप ठीक हो, नहीं प्रिपेयर हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा. तो ये चीज़ है मेंटली जो जितना ले, ठीक है. ये चीज़ करवाने के बाद आई एम लाइक कि आई एम द स्ट्रांगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड क्योंकि इट वॉज़ नॉट ईजी. मतलब अगर किसी का सड़ा हुआ दांत निकलता है तो भी उसको पेन होता है एंड इट वॉज़ लाइक ये दो स्ट्रांगेस्ट टीथ थे मेरे, प्रीमोलर, उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं था, इतना लंबा उसका रूट था. अभी मैंने अपने बैग में रखा हुआ है उसको, प्रीमोलर अच्छे खासे लंबे लंबे रूट्स वाले उसको निकाल दिया गया. सर इट वॉज़ लाइक कि ठीक है दर्द तो होना ही है, इट्स ऑब्वियस. बट मैं इसको वेट कर रही थी बिकॉज जब तक टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं होगा तब तक टीथ अंदर नहीं जाएंगे और माय मेन गोल वॉज कि टीथ अंदर की ओर जाए ताकि हमारे माउथ का जो शेप होता है ना वो एकदम स्ट्रेट हो जाए, तो थोड़ा सा बाहर क्या होता है, इसीलिए क्राउडिंग के केस में कराए जाते हैं टीथ एक्सट्रैक्शन.
सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको आइसक्रीम खानी है। एंड माय सिस्टर वाज लाइक कि ठीक है, कि ठंड में किसको ही आइसक्रीम खाने में मज़ा आता, वो भी मुझे तो सर्द भी हो रखी है, जो कि इतना हम जो ट्रैवलिंग हो रहा था लाइक इंदौर गए, इंदौर से फिर दिल्ली के अंदर उसके बाद इतना तो वेदर चेंज की वजह से मुझे कोल्ड भी हुआ है, तो मुझे आइसक्रीम खाने में कुछ भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि नवंबर में ऑफकोर्स किसको आइसक्रीम खाने में मज़ा आएगा। तो अगर आप दूध एक्सट्रैक्शन करवा रहे हो तो ध्यान रखना कि थोड़ा गर्मियों के टाइम में करवाओ, ताकि आपको आइसक्रीम खाने में भी मज़ा आए, आप कभी भी खा सकते हो, रात दिन दोपहर कभी भी। सो यस, ये छोटा सा मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बता दिया कि ऐसा ऐसा था। अब इतना चीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को शो करूँगी कि मैंने डे सेकेंड में अपने डे की स्टार्ट कैसे की, लाइक हाउ आई डिड माई ब्रशिंग इन ऑल, इस स्ट्रगल के साथ आप कैसे करोगे फेस, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी। एंड मैं वायरिंग एंड टाइटनिंग के बारे में भी एंड ऑफ द वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहना, एंड तक देखते रहना, एंटरटेनिंग है और आपको हिम्मत ज़रूर मिलेगा अगर आप लोग का भी टिथ एक्सट्रैक्शन होने वाला है। So we are going for my teeth extraction and I'm all set and prepared कि मेरे कहीं ना कहीं किसी एक साइड के तो दो teeth निकलने वाले हैं। एंड अब हॉस्पिटल में बैठ के हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मेरा नंबर आएगा। सो यस, आई एम जस्ट वेटिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइस। आई वाज वेरी नर्वस एंड बहुत ही जल्दी मेरा नंबर भी आ गया था। एंड डॉक्टर कॉल्ड मी एंड शी वाज जस्ट आस्किंग एनी क्योरीज इफ आई एम हैविंग रिगार्डिंग माई ब्रेसेस जर्नी टिल नाउ, क्योंकि अभी तक 2 मंथ हो चुका है। एंड आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा मेरे फील हो रहा था कि मेरे दांत शिफ्ट हो रहे हैं, वही बता रही थी मैं डॉक्टर को। खाने के लिए एक साइड छोड़ेंगे ना। आराम से टाइट नहीं करना अपने आप, टाइट करेगी ना तो दर्द होगा, टाइट करोगे तो मसल तो टाइट होगा तो दर्द होगा, ढीला कर छोड़ दो अपने आपको, एकदम ढीला। बड़ा सा खोलो ना, बड़ा सा मुँह खोलो, कुछ नहीं होगा, मुँह खोलोगे तो और अच्छा रहेगा।
बोल नहीं पा रही। थोड़ा सा लाल में सेल लग रहा है, थोड़ा सा रीटेक कहाँ तक लग रहा है? आँख भी यहाँ तक आया है। आईज ब्लिंकर नहीं हो रहा, वॉशरूम में तो पता नहीं चल रहा है। जो भी सलाइवा जो भी आएगा ना उसको अंदर लेना है, ठीक है? मतलब कॉटन गीला नहीं होना चाहिए। आधे घंटे के बाद कप वाली आइसक्रीम। तभी डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाँ आइसक्रीम खाना है अभी हाफ एन आवर के बाद, मतलब हाफ एन आवर तक मुझे कॉटन अपने मुंह में ऐसे ही रखना है, आधे घंटे के बाद मैं इसको निकालूंगी एंड देन आइसक्रीम खाऊंगी सबसे पहली चीज़, क्योंकि ठंडे से जो होगा वो ब्लीडिंग क्योर होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा तो इसलिए। बट यू गाइस कैन सी जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो अभी तक है और मेरा मुँह बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रही। मैं हाफ पूरा आइज़ के नीचे से लेके पूरा लिप्स के नीचे तक ऑल इनर्ट, मुझे टच करने पर फील नहीं हो रहा। तो ये एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहा था टोटल 3 से 4 घंटे एंड उसके बाद इसका इफेक्ट हटा था। अब हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, सो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। तो मैं खुद के लिए आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ एंड एक और आइसक्रीम मेरी दी ने लिया और टोटल 2 आइसक्रीम मेरे लिए था। सो यस, और डॉक्टर ने स्पेशली कहा था कि आप वनीला ही खाना, कोई भी चॉकलेट या चोको चिप्स वाले मत खाना, सिंपली वनीला ही खाना। एंड सडनली फिर मेरा एक पार्सल का कॉल आया एंड मैंने फ़ोन उठाया, सडनली याद आया कि मैं तो बोल नहीं सकती, फिर मैंने दी को दिया, दी ने बात किया। सो अब मैं आपको शो करती हूँ कि मैंने कैसे मास्क लगाया हुआ है, एक टिश्यू जो होता है ना अंदर डाल के, क्योंकि मेरे मास्क में ब्लड लग रहा था। आप देखिए कॉटन पूरा ब्लड से ही भरा हुआ है, मतलब दांत से जो ब्लड निकल रहा था वो पूरा ब्लड कॉटन में लगा हुआ है और वही मेरे मास्क में लग रहा था, तो कोई भी देखे तो वो डर जाता। तो मैंने एक टिश्यू अंदर डाला एंड उसके बाद उसको कवर किया। तो अभी आधा घंटा ऑलमोस्ट हुआ नहीं है और थोड़ी देर में हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं आधा घंटा हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम, जाऊँगी और वॉशरूम में जाके अपना कॉटन निकालूंगी एंड कॉटन निकालने के बाद मैं आइसक्रीम खाऊंगी। यस, सो यस वी आर गोइंग राइट नाउ, वी आर इन अ मॉल जहाँ पे हम लोग ने डिसाइड किया कि हाँ मूवी भी देख लेते। दीदी वो सेम कि ठीक है मूड चेंज हो जाएगा मूवी देख लो। सो राइट नाउ वी आर इन द वॉशरूम, मैं दीदी के साथ आई हूँ बिकॉज शी इज़ गोना हेल्प मी विद रिमूविंग माय कॉटन फ्रॉम द माउथ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्टिक हो चुके हैं उस एरिया में जहाँ से दांत को एक्सट्रैक्ट किया है। सो आप लोग के लिए मैंने एक एक चीज़ रिकॉर्ड की है ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसा एक्सपीरियंस होता है और कर सकते हैं इंसान। एंड इट वॉज़ रियली रियली हॉरिबल फॉर मी टू जस्ट सी माई सेल्फ
लाइक दिस एंड आई वॉज नॉट इवन एबल टू, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं खुद का ब्लड टॉलरेट कर पाऊँ या खुद का खून देख पाऊँ या फिर खुद के मुँह से हाथ से करके मैं ऐसे कॉटन भी निकाल पाऊँ। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं खुद का नहीं कर सकती, तो मेरे को अजीब भी लग रहा था और मुझे दर्द भी हो रहा था। सो मेरी दीदी भी इतना लाइक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने इतना टॉलरेट किया, इतना देखा, मतलब अपनी ही सिस्टर का ऐसे कोई देखे ऐसे करना, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी टफ टास्क, बट उन्होंने कर दिया क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाता। मैंने अपना आँख बंद किया था एंड शी जस्ट पुल्ड विद कॉटन फ्रॉम माई माउथ एंड दो कॉटन था, एक ऊपर का निकल चुका एंड नीचे का इट वॉज सो मच लाइक बहुत ही स्टिक हो चुका था वो होल में एंड इट वॉज सो पेनफुल, बट आई वॉज टॉलरेटिंग एंड नाउ इट्स लाइक कि ठीक है अब ठीक है। बट डॉक्टर हैज़ टोटली क्लियरली टोल्ड मी कि आपने बाहर थूक नहीं फेंकना है, ब्लड हो या कुछ भी हो आपने अंदर ही रखना है। सो यस, अब मैं थूक नहीं सकती थी, बस मुझे जो भी है वो अंदर ही लेना है। सो मैं अपने फेस को ऊपर रख रही थी कि हाँ थूक वगैरह ना निकले, बिकॉज एनेस्थीसिया की वजह से मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा था कि हाँ सलाइवा आ रहा है या फिर मैं सलाइवा को थ्रो भी कैसे करूँ, मुंह बंद भी नहीं हो रहा था मुझसे। इट वॉज़ जस्ट लाइक कि लटक गया मेरा आधा फेस, देयर वाज़ नो सेंसेशन एट ऑल। मैं लिप्स को पकड़ के उसको नीचे कर रही थी एंड आई वॉज जस्ट वाइपिंग माई फेस कि कहीं पर ब्लड लगाया तो, एंड यू गाइस कैन सी मेरा लिप्स एकदम ब्रेसेस में अटका हुआ है, मैं पकड़ के नीचे कर रही हूँ बिकॉज वो एकदम मुझे फील नहीं हो रहा है कि वो खुद से कैसे होगा, ना मैं बोल पा रही हूँ और ना मैं खुद से मतलब कि वॉलेंट्री अपने लिप्स को नहीं होल्ड कर पा रही हूँ। सो अपने हैंड से पकड़ के मुझे नीचे करना पड़ रहा है एंड देर आर लाइक टू बिग होल्स इन माई माउथ, जो कि अभी तो हाल फिलहाल में ब्लड नहीं आ रहा है, बट फिर मैं आइसक्रीम खाऊँगी एंड उसके बाद आप देखना कि कैसा होता है। सो आई एम ऑल सेट विद सैनिटाइजिंग माई हैंड्स एंड दो दो आइसक्रीम मुझे खाने हैं एंड उसके बाद हमें जाना है मूवी, और मूवी देखने का मुझे कोई मन नहीं था, बट हाँ दी वो सेइंग कि ठीक है थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। सो अगेन माई लिप्स आर स्टक ऑन टू द ब्रैकेट, बट या आई एम जस्ट गोइंग टू ईट माई आइसक्रीम, आई जस्ट कांट वेट बिकॉज डॉक्टर टोल्ड मी कि आधे घंटे के अंदर आपको आइसक्रीम खाना है। आई वॉज़ नॉट इवन लाइक, ऐसा नहीं कि हाँ आइसक्रीम खाना है तो इट्स लाइक बिग ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई वॉज़ नॉट इवन इन द मूड टू ईट द आइसक्रीम, बट आई हैड टू जस्ट टू क्योर दैट ब्लीडिंग एंड ऑल। सो यस, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इसीलिए बस मैं खा रही हूँ एंड मुझे मुश्किल से एक मैंने आइसक्रीम बस ख़त्म किया, कैसे भी ख़त्म किया एंड इट वॉज़ फीलिंग सो बैड ऑन दैट एरिया जहाँ पे तीत थे ही नहीं, बट मैंने मुझे च्यू भी नहीं हो रहा था एंड एनी थिंग, एवरी वन वॉज लुकिंग एट मी कि ऐसे क्यों खा रही है एंड ऑल, आई वॉज लाइक हाइडिंग माई फेस एंड यू गाइस कैन सी आइसक्रीम जो मेरे लिप्स में लगा है इतना मुझे वो नहीं है कि हाँ मैं मतलब नम है एरिया कि मैं अपनी सेंसेशन कुछ नहीं हो रहा है कि मैं अंदर भी लूँ या कुछ भी एंड मेरा खूनी मास्क आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, मूवी का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट नाइट शो ही था। सो या सूर्यवंशी मूवी था, जल्दी आ जाओ, मम्मी पकड़। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 अलग जगहों पे बम ब्लास्ट हुए, पहली बार देश में ऐसा। दिस इज़ दी नेक्स्ट डे, जहाँ जब मेरा एक्सट्रैक्शन हुआ था उसका जस्ट अगला दिन है और मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ होल्स कितने क्लियरली रेड एंड होल पूरा क्लियरली दिख रहा है ऊपर वाले में एंड नीचे वाले में भी, और रेड रेड हो रखा है एरिया, बट इट्स गुड। रात को मैंने दवाई खा ली थी पेन किलर की ताकि मुझे दर्द ना हो, तो दर्द जैसे ही हो तो आपको डॉक्टर पेन किलर देता है तो वही खा लेने का एनेस्थीसिया के इफेक्ट हटे तो, एंड उसके बाद आपने ब्रश करना है। सो आई एम यूजिंग माय इलेक्ट्रिक ब्रश, बट मैं उसको ऑन नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट इज़ गोना मूव हियर एंड देयर एंड वो लग सकता है होल में, तो इसलिए आई एम स्लोली जस्ट मूविंग ऑन टू माय टीथ एंड जहाँ पे होल है वहाँ तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। एंड ब्रश करना वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि लास्ट नाइट आई हैड लॉट्स ऑफ आइसक्रीम, सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने मीठा खाया है तो आप थोड़ा बहुत ब्रश कर लो, या तो उंगली से करो या ब्रश से, बट आप कर ज़रूर लो क्योंकि फिर मीठे से फिर दांत में स्मेल आता है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ पीपल से कि हाँ ब्रश नहीं करो, बट फॉर मी इट्स लाइक कि थोड़ा बहुत कर लो इफ़ यू आर एबल टू डू डैट। सो या आई एम जस्ट व्लॉगिंग फॉर यू गाइज, मेरे दांत में कोई भी अभी वायरिंग नहीं है तो इट्स मोर इजी देन बिफोर, बट यस
मेरा वायरिंग भी लगेगा तो इट्स गोना बी लिटिल बिट टफ। एंड उसके बारे में मैं आपको बाद में व्लॉग करूँगी तो दिखाऊँगी कि वायरिंग लगा कब लगा एंड ऑल। तो यस, माउथ वॉश गार्गल एंड ऑल वॉज वेरी टफ बट आई डिड इट एंड यू गाइस कैन सी माई टीथ राइट नाउ। आई एम गोइंग टू वाइप माई फेस एंड गोइंग टू हैव सम मील बिकॉज सुबह से मम्मा मेरे लिए कुछ लिक्विडी बना रही थी, खिचड़ी विच वॉज टोटली लाइक अ सूप। सो क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था रात को भी, पापा वो सेइंग कि ठीक है कुछ खा लेना बट आई वॉज नॉट इवन एबल टू, बट अभी मैं जा रही हूँ। एंड बहुत लोगों का देखा है कि चारों दांत एक साथ निकल जाते हैं बट मेरे डेंटिस्ट ने बोला कि अगर हम चारों एक साथ निकालेंगे तो आप खा नहीं पाओगे, तो इसीलिए वन बाय वन निकाला, पहले इस इधर का निकाला ताकि मैं इधर से खा लूँ एंड देन उसके ऊपर से इधर का निकलेगा। सो इट्स लाइक अभी मम्मा मेरे लिए खिचड़ी बना रही है जो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, तो लेट्स सी कि अभी कितने प्रोसेस में है। नहीं बना के मम्मी जल गए, फिर पानी डाल, जल भी गया मेरे पीछे इतना पानी, एकदम लिक्विड ही बनाना एकदम कि मैं पीऊं बस। से बाबू पर यहां से उसको न का कर दे सूखेला था दी चढ़ दी कपड़ा का सामने तब जल गया, इतना लिक्विड ही होना चाहिए कि मैं बस उसको पी लूं, मुझे चबाना नहीं है। हां कर रो, मैं सबको दिखा रही हूं आपका रूम कैसा है, खाली हवेली, यहां बस चेयर है और यहाँ की खिड़कियाँ मैंने खोल ली है और ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ से बिस्किट फैक्ट्री दिख रही है, दिन भर यहाँ से बिस्किट की स्मेल आती है। चलो जाओ बाय गाइस, एज यू हैव सीन कि मेरी खिचड़ी कितनी ज़्यादा लिक्विडी बना रही है मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने कुछ खाया नहीं, रात को भी नहीं खाया है बट हाँ अभी भूख लग रही है मुझे जोरों की। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ